नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज बात करूंगा डीजे ने जो कि एक बड़ा अपडेट दिया है, क्योंकि आपसे ताल्लुकात है। अगर जो आप इंडिया, सऊदी अरबिया या कोई भी गल्फ कंट्री में रहते हो, यूरोप में रहते हो, सभी के लिए बड़ी अपडेट है। क्योंकि आपको तो जो बड़ी अपडेट ये निकल कि क्योंकि आपने आपके पास लाजिम है स्मार्टफोन तो रहता ही, हर एक किसी के पास आजकल एक या दो दो तीन तीन स्मार्टफोन रहता है। इसको लेकर जो कि एयरलाइन कंपनियों ने बड़ा अपडेट दिया है, काफ़ी भारी भरकम अपडेट है, क्योंकि आपसे खासा ताल्लुकात रखता है। आप एयरलाइंस में ऑपरेट मतलब यात्रा कर रहे हो इंडियन का, इंडिया के रहने वाले हो, तो फाइनली बड़ी अपडेट है जो कि डीजीसीए ने अपडेट दिया थोड़ी देर पहले। तो क्या अपडेट उन्होंने दिया आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि ओमान से या इंडिया से रिलेटेड नई नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। तो जैसा आपको मालूम होगा कि चंडीगढ़ से मुंबई, जी हाँ, चंडीगढ़ से मुंबई की इंडिगो फ्लाइट में मीडिया चैनल के कुछ मतलब अफरा तफरी, जिसमें क्या बताया गया था कि मतलब कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, जैसे जो सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, सटे हुए लोग खड़े थे और बहुत सारे इसमें बताया गया। तो उसके बाद डीजीसीए ने एक बड़ा कानून का ऐलान किया। उन्होंने कहा मतलब नागरिक विमान महानिदेशालय डीजीसीए ने कहा कि किसी भी यात्रा विमान में एयरक्राफ्ट नियम 1937 के तहत 13 उल्लंघन मामले में उस मार्ग के तहत सभी एयरलाइन को अगले दो सप्ताह के लिए निलंबित किया जा रहा है। मतलब आपको जो कानून का उल्लंघन कर रहा है उसको निलंबित कर, साथ ही नियम में उड़ाने वाले फोटोग्राफर और वीडियो की शर्त, जी हाँ, अगर जो आप किसी भी नियम या यात्रा से उड़ानों में उल्लंघन होता है तो उसमें मार्ग विमान सेवा कंपनी का शेड्यूल 2 हफ्तों के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। जैसे मालूम होगा आपको कि आप विमान में चढ़ते हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं आपको मालूम होगा, खुद आप भी किए होंगे, क्या करते हैं, मोबाइल उठाते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं, इधर से उधर से फोटो खींचते हैं, जो क्रू मेंबर रहती हैं या और कुछ हो गया, सब मतलब वीडियो बनाते हैं। इसको लेकर भी मतलब उन्होंने कहा कि इस पे मतलब कानूनी कार्रवाई किया जाएगा और बिना अनुमति के, जी हाँ, अगर जो आपको तो बिना अनुमति के फोटोग्राफ से पहले निलंबित कर दिया जाएगा, उसके मतलब अगर जो आप ऐसा करते हो तो मतलब आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। अगर जो जैसे किसी भी एयरलाइंस में फ़ोटो लेते हो, वीडियो बनाते हो बिना परमिशन के, सबसे पहले तो परमिशन लेने एयर होस्टर हो गई या फिर जो कैप्टन रहते हैं कि परमिशन नाम लेकर ही जहाज़ में अपना वीडियो या फोटो शूट करें, जो कि काफ़ी बेहतरीन रहेगा। नहीं तो वरना फिर आपको मतलब काफ़ी मुसीबत में हो जाएगी। इंडिगो एयरलाइन थी वो जिसमें यह घटना घटित हुआ, मीडिया वाले भी पहुंच गए थे, जिसमें बताया जा रहा कि बहुत सारे लोग जो थे वो सट कर खड़े हुए थे, क्योंकि इस समय तो बीमारी चल रही है और बीमारी की वजह से लगातार परेशानियां हो रही हैं। क्योंकि इंडिया में बात कर लें तो 70 से 80 हज़ार एक दिन में लगातार बीमारी के नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इसके लिए फोटोग्राफर, वीडियो और फोटोग्राफर पर एक अधिकारी ने बताया कि मतलब बहुत ही ज़्यादा, जो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि सट कर खड़े थे, सबसे ज़्यादा तो बड़ी कानून का उल्लंघन है कि एक साथ काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे। तो आप अगर जो सफ़र करना चाहते हो तो आपको भी मालूम होगा कि इस समय बीमारी चल रहा, उससे सेफ रहें, आपके लिए फायदा, सेहत के फायदा ही रहेगा। हर एक चीज़ आदमी बराबर कानून को फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग का भी बराबर फॉलो करें, जो कि काफ़ी बेहतरीन रहेगा। वरना आप ही सोचोगे यार बीमारी किसी को भी हो सकती है, ये किसी को बता के बीमारी तो बिल्कुल नहीं आ रही है कि हमें यह है या आपको है, या आपको होने से पहले आपको बताएगी बीमारी कि मैं आपके पास आ रही हूँ, आपको हो जाऊँ, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये थी अपडेट। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।